छूट गया यार सामान। वो देखो सामान बीच में लटक गया। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सारे लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस, आज मेरे साथ दो चिलगुजे हैं, एक इधर है एक उधर है। तो आज हम लोग ना आपसे बहुत सीरियस बात करने जा रहे हैं। काफी टाइम के बाद मिल रहा है ये बंदा, देख रहे हैं आप कितनी छुट्टियों के बाद। ये इन दोनों की काफी दिन की छुट्टी थी और आजकल हम लोग रेगुलर ब्लॉग नहीं बना पा रहे, यही सीरियस बात करने वाले थे, क्योंकि आजकल फ्लोरिंग चली हुई है, प्लस कुछ खास भी नहीं है ना आजकल। क्यों भाई? कुछ खास नहीं है दिखाने के लिए। थोड़ा सा कौन चीख रहा है? ये काकू चाचू चीख रहे हैं। हाँ, और हम शायद इसके साथ भी जाए आज शाम को इसके ससुराल, काकी के ससुराल। वाह वाह वाह, ऐसे ऐसे मिशन बनते रहेंगे हर दिन तो मजा आ जाएगा। ये लो जी, बंदा आ गया है सामान लेके पीछे। नेक्स्ट मैच जो होने जा रहा है वो है युगल और यूबी के बीच। पहले वाला बैलेंस मैच नहीं था, पहले थोड़ा पहलवान बड़ा हो गया था, अब इन दोनों का टक्कर का मैच है। चलो भाई लगा जोर, 1 2 3 गो। कलाई मोड़ रहे हैं। तू कलाई मोड़ता ही है। फिर चल रुक जाओ। ऐसे हम लोग पहुंच चुके हैं बांगसार में, हम लोगों के एकदम से मिशन बना ऊपर आने का, तो साथ में हमने सेब की दवाई भी ला ली और पहुंच गए बांगसार में। अभी बगीचे जाएंगे, फिर वहाँ पे मामा जी को दवाई देंगे, वो सारे काम बताएंगे क्या क्या करना है, फिर निकलेंगे यहाँ से वापस नीचे को। तो अभी थोड़ी देर में पहुँचेंगे। जैसे बगीचे में पहुँचा, आपको मैंने बताया तो मामा जी ने नए नए टारगेट सोचे होते। एक पौधा लेटा हुआ था, मतलब गिरा हुआ था, आज इसको उठाने का विचार फिर से बन चुका है। ये क्यारियाँ पूरी हो गई है, बंदे भी आज हम बहुत थे इसलिए ये वाला पौधा बोलू, जैसे लग रहा है कि कूद ही जाएगा इस पौधे को उठाने। ये पौधा, ये वाला पौधा उठाना है अपने को, जिसके लिए गोलू ने चार्ज ले लिया है। ओह माय गॉड, आज तो खूंखार बंदे मेरे साथ। हम लोग बगीचे से आ गए थे और अभी यहाँ पे फेमस पानी है इधर नाले में, तो यहाँ पे रुके हुए थे हम लोग थोड़ी देर पानी पुनी पीने। और रास्ते में आते हुए जो रिकॉर्ड किया उसमें वॉइस का थोड़ा सा सीन हो गया, उसमें वॉइस ही नहीं आई हुई है, वो फिर रिकॉर्ड वीडियो ही कट हो गया। मैंने देखा जब तो गड़बड़ हो गया था उतनी देर तक, तो फिर हम यहाँ पहुँच गए थे। तो यहाँ से आगे का अब ठीक होगा शायद वॉइस, बाकी पता नहीं। मैं नाम जा रहा काकी के साथ उसके ससुराल, उसके ससुराल जा रहे मैं और बल्लू, और पीछे है गोलू, इधर है दूल्हा दूल्हा। हाँ, इधर देखो दोनों ही इनके साथ। पहुंच
चुके हैं द्यूदी में और यहाँ से अपने को जाना है, यहाँ से होता है हमारा पैदल ट्रैक शुरू, यहाँ पे गाड़ियाँ गुड़ियाँ पार्क होगी। अब यहाँ से वो गांव दिख रहा है, वहाँ जाना है अपने को अभी, इसके बाद यहाँ से वो भी पैदल पैदल। तो ऐसे तो सामने दिख रहा है, यहाँ से देखो आप ये तो यही सोच के परेशान है, बस यहाँ जाना है अपने को इस गाँव में इधर पर जाना। बहुत नीचे है, यहाँ से पूरा नीचे डाउन नदी में, नदी से ऊपर चढ़ना है वो ऊपर, फिर हम पहुँच जाएंगे। और एक ही गांव है और आज तक हम इस गांव में कभी नहीं गए हुए, कभी नहीं। रोड भी यहाँ का आजकल बंद है, पहले गया था शायद, मैं इधर नीचे तक गया हूँ कहीं, उधर से ऊपर नहीं गया हूँ। तो आप देखो आप क्या ही नज़ारा है इसके बैकग्राउंड में। गाँव को ले जाने के लिए सामान को हम लोग यहाँ से भेज रहे हैं, हमारे थैले भी बंद चुके हैं, अब हम लोगों को पीठ पे नहीं लेना पड़ेगा, यहाँ से सीधा डायरेक्ट जाएगा वो पार। मस्त फीचर है ये, नानू थे हमारे साथ ना, गांव से आए, उन्होंने हमें ये तरकीब बताई कि यहाँ से सामान ऐसे ऐसे करके जाएगा, फिर हम खुश हो गए कि वाह सामान पहुँच जाएगा पहले पहले, और हम लोगों को सिर्फ खाली जाना पड़ेगा। ये वाला ऑप्शन, हम लोगों की जान बच जाएगी यहाँ से पार के लिए, वरना तो पीठ पे इतने दूर ले जाना था सामान, अब ऐसे जाएगा, ये देखिए ऐसे करके जाएगा, यहाँ बांध लिया, काका भी बांधने लगा भाई। थोड़ी ही देर में मूवमेंट हो गया और हमारा सामान सीधा 5 मिनट के अंदर अंदर वहाँ पार पहुँच जाएगा। भाई छूटा नहीं चाहिए ये, हैं नहीं छूटेगा यार, ये बहुत रिस्की काम लग रहा है यार, देखो ऐसे ऐसे चला भाई सिस्टम, और सामान वो पहुंचा है सीधा ही, सोचो अब नीचे अगर छूट गया तो कहाँ जाएगा, और ये तो सेकंडों में पहुंच जाएगा। छूट गया यार सामान, वो देखो सामान बीच में लटक गया मोटी गप हो गई यहाँ तो हमारे साथ। टूटा तो नहीं है, बस ये परी है, ये टूटा नहीं, परी है लपरी है, बड़े-बड़े परी होगा अनजान आदमी। यहाँ देख रहे सामान इधर लटक रहा है ओहो गड़बड़ हो गई, हमारा सामान बीच में लटक चुका है। हम लोग अभी यहाँ से नज़ारे देख रहे हैं, अब पता नहीं कब वापस आएगा कि पार्क हो जाएगा, कोई पता नहीं क्या होगा फीचर के चक्कर में यहाँ पे गड़बड़ी हो गया सारा। अभी दिखाता हूँ आपको हमारा सामान बीच में लटका हुआ है हाँ भाई क्या लगता है, एक पैकेट वाली ना रहा दो दो ही दिख रहे ये देखो, ये सामान है यहाँ बीच में लटका हुआ, वाइट वाइट दिख रहा होगा आपको, ओ रहा ओ। हम लोगों ने अपनी यात्रा शुरू कर दी है और फीचर के चक्कर में ये देखो थैले हमारे पास रह चुके हैं। हम सोच रहे थे ऐसे कि थैले चले जाएंगे और खाली में तो मज़ा आना था ना चलने का, पर वो उसकी गरारी छूट गई, गरारी बड़ी गलत चीज़ है यार, उसकी गरारी छूट गई तो हमारा सामान बच गया ये बोलो, वरना नदी में छूट जाता, बीच में ही छूट गया वो प्रोग्राम उसका। अभी बाकी सारे लोग पीछे पीछे आ रहे हैं, मैं और बल्लू आगे आ गए थे। हम लोग अब रास्ते में रुकेंगे क्योंकि रात हो जाएगी, अब यहाँ से बोल रहे बहुत टाइम लगेगा, पर देखने में तो ऐसा लगता है सामने है, पर टाइम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा लगता है यहाँ से। और रास्ता दिखाता हूँ मैं, पूरा रास्ता हमारा ऐसे ही होने वाला है, ये पथरीला नीचे तक, वो नीचे जाना है अभी आगे क्या, आगे से कहीं से नहीं दिखा सकता मैं ये आपको कहाँ तक है ये रास्ता, बस ऐसे दिखा रहा हूँ ना, ये ऐसे ही ऐसे रास्ता है नीचे, वो नदी कहाँ है नीचे, वहाँ जाना है, वहाँ से पुल पर जाना है पार को, फिर जाना है वापस वहीं पर ऊपर। और धूप भी जा चुकी है, 6-7 बजने वाला, हम 9 बजे तक चलने इधर। हम लोग पहुंच चुके हैं रोड में और रोड है टूटा हुआ बीच बीच में क्या ठीक ठाक ही दरारें पड़ी हुई है रोड में, वहां देखो वहां ज़्यादा है टूटा हुआ। अभी अपने को जाना है यहां से ऊपर, अब तो गांव भी नहीं दिख रहा है, और इधर कहीं है ऐसे बोलते कि
यहाँ पे ना भूत होते हैं। भूत एक्चुअल बात है, ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में यहाँ पे भूत है, ऐसा बोलते हैं। इधर पार कहीं जो ये पत्थर पे पेड़ दिख रहे हैं, पता नहीं कौन से ही है, मुझे भी पता नहीं है, कन्फर्म पता नहीं है, पर ये सारे आगे जा रहे, पर इधर है पार कहीं को, कल दिखाऊंगा मैं, फुर्सत में आएंगे जब तब दिखाएंगे आपको यहाँ पे कहाँ है वो सीन। बढ़िया फीलिंग है यहाँ पे, और व्यू चेक करो आप सामने नदी वाला, हवा बहुत तेज चल रही होगी, नदी क्या सुंदर लग रही है। अभी चलते चलते हम लोग काफ़ी ऊपर आ गए हैं, पर अभी भी अपना सफ़र कंप्लीट नहीं है, आज तो मोटा ट्रैक हो गया है, काफ़ी देर से चल रहे हैं हम लोग। वहाँ पार से वो जो लाइट दिख रही है ना, वहाँ से आ गए हम, अभी तो हम अपना 50% रास्ता हमने चल दिया होगा अभी तक, और बाकी अभी खड़ा ही है अपना, रहा हुआ यहाँ से पता नहीं कहाँ जाना है, कितना दूर होगा, तो की हालत ख़राब हो गई, ऊपर से सामान नहीं गया उसमें, ऐसी दिक्कत है ना। चलो पहुँचते हैं, फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं गाँव में, और गाँव पता किसका है, यहाँ है बंदा, यहाँ है बंदा, इसका गांव है, इसके गांव में आ जाए, यार सामान छूट गया था कसम से, लटका, देखिए वीडियो दिखाऊंगा मैं, यहाँ देखो मंदिर, सुबह दिखाऊंगा मैं, है अच्छा अच्छा ये तो यार गप हो गई थी हमारे साथ, चलो अभी जाते हैं, हाँ ठीक है, फोन करूंगा मैं तेरे को, ओके बाद में मिलेंगे।